हेलो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कीबोर्ड और माउस के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में कीबोर्ड की कोई की काम नहीं करती है या माउस हमारा काम नहीं करता है, जैसे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उससे आपको बहुत परेशानी होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप बिना कीबोर्ड के भी माउस यूज़ कर सकते हो और माउस के बिना भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको विंडो की को होल्ड करना है और आर को प्रेस करना है, उससे रन कमांड ओपन होगा। आपको ओ एस के टाइप करना है। अभी आपको बोलोगे कि ओ एस के, अगर आपका ओ और एस के ही काम नहीं कर रहा है आपके कीबोर्ड में तो आप कैसे टाइप करोगे। बहुत बार ऐसी दिक्कत आती है कि हमारे पास में जब ओ और एस के ये तीन ही बटन काम नहीं करेंगे तो आप कीबोर्ड कैसे रन करोगे। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। उसका सेकेंड स्टेप है, आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, ईज ऑफ एक्सेस में जाना है। यहाँ पर देखिए हम स्क्रोल डाउन कर लेते हैं, विंडोज़ इज ऑफ एक्सेस में जाना है और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चालू हो जाता है। हमने क्या किया, बिना किसी के मदद से, बिना कीबोर्ड के मदद से हमने कीबोर्ड ऑन किया। जैसे कि पर्टिकुलरली आपके लैपटॉप का कीबोर्ड ख़राब हो गया या कोई की काम नहीं कर रही, जैसे यू बटन काम नहीं कर रहा है, तो आप इससे माउस की मदद से आप वो बहुत सारी कीज़ है जो भी आपकी जो काम नहीं कर रही है आप उसको यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने देख लिया है कि कीबोर्ड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर आपका माउस ही ख़राब हो तो हम कैसे चालू करेंगे। तो चलिए आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपका माउस ख़राब होता है तो आपको कीबोर्ड की मदद से माउस कैसे ऑन करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद में कंट्रोल पैनल में जाना है, विंडो की प्लस आर इस वक्त प्रेस करना है और उसके बाद में कंट्रोल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में जैसे आप देखो यहाँ पे भी इज ऑफ एक्सेस है, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में देखिए चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में टर्न ऑन माउस की पर क्लिक करना है और इसे अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल इसे क्लोज कर देना है और कुछ नहीं करना है। कीबोर्ड में न्यूम लॉक करके एक बटन होता है, उस पर आपको उसको प्रेस करना है, न्यूम लॉक ऑफ करना है। उसके बाद में आपका जो कर्सर है आप 4 से क्या करोगे, लेफ्ट साइड में ले जा सकते हो, 6 से आप राइट साइड में लेके जा सकते हो, 2 से डाउन लेके जा सकते हो और 8 से अप लेके जा सकते हो। इससे आपका क्या होगा, अगर आपका माउस ख़राब हुआ तो आप कीबोर्ड से सहायता से आप माउस यूज़ कर सकते हो। आपको कीबोर्ड का माउस जो ऑन किया है उसे बंद करना है तो वापस वही प्रोसेस आपको अपनानी है, विंडो प्लस आर को प्रेस करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में इसे आप एक्सेस में जाना है, उसके बाद में चेंज हाउ टू योर कीबोर्ड, यहाँ पर जाके टर्न ऑन माउस की इसे ऑफ करना है और अप्लाई करना है और इसे क्लोज करना है, वैसे आपका नॉर्मल आपका कीबोर्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।